ट्वींस प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट में दर्द होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन होता है हार्मोनल चेंजेस। ट्वींस प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है उसमें ड्राइनेस आ जाती है, जिस वजह से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर इस दौरान आप रिलेशन रखती है तो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो आप कोशिश करें कि जहां तक हो सके आप ट्वींस प्रेगनेंसी में रिलेशन को अवॉइड करें, वही आपके लिए ज्यादा बेटर है, एंड कम से कम ही रिलेशन रखें। एंड दूसरा रीजन होता है गर्भाशय का बढ़ना। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है, वैसे वैसे जो है गर्भाशय का साइज भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बेबी के लिए प्रॉपर जगह चाहिए होती है। तो जिस वजह से क्या होता है, जो प्राइवेट पार्ट के आसपास की जो मसल्स होती हैं उन पर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो जिस वजह से बहुत ज्यादा जो है प्राइवेट पार्ट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा रीजन होता है गर्भाशय में दोनों शिशु का आकार बढ़ना, जिस वजह से क्या होता है कि पैल्विक हिस्से के जो लिगामेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खींचे जाते हैं, एंड जो मांसपेशियां होती है वो भी बहुत ज्यादा खींच जाती है। बच्चों का जो पूरा वेट होता है वो पैल्विक हिस्से पर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से भी प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। और ये जो ज्यादातर दर्द होता है वो छठवें, सातवें, आठवें, नौवें महीने में रहने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ता है, जैसे जैसे पेट बढ़ता है, वैसे वैसे ही प्राइवेट पार्ट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दर्द बिल्कुल नॉर्मल होता है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट के बाहरी हिस्से में दर्द होता है, या आपके बाहरी हिस्से में सूजन आ गई है, या रेडनेस है, या खुजली हो रही है बहुत ज्यादा, या फिर दाने हो गए हैं, या फिर स्मेल आ रही है, अगर ये कोई भी आपको लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये जो लक्षण होते हैं वो प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होने के साइन होते हैं, तो आपको इस बीच बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट पार्ट में कोई भी इन्फेक्शन बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। और मैं आपको बता दूं कि इस दर्द का कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं होता है, ये डिलीवरी होने के बाद अपने आप ही चला जाता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप बताऊंगी जिनको आप फॉलो करके थोड़ा सा दर्द कम कर सकती हैं, जिसमें सबसे पहली टिप है कि आपको एकदम से झटके से बैठना बंद करना होगा। आप एकदम से झटके से ना उठे, आप जब भी बैठे बहुत धीरे से बैठे एंड बहुत ही आराम से उठे, और आप जब भी चल ले तो आप कोशिश करें अपने पेट के निचले हिस्से में थोड़ा सा हाथ लगा ले। इससे क्या होगा कि इससे प्राइवेट पार्ट पे दबाव बहुत कम पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। और आप जमीन के संपर्क में बिल्कुल भी ना बैठें, क्योंकि अगर आप बैठती हैं तो इस दौरान भी आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा दर्द होगा। और आप कोशिश करें कि बहुत देर एक ही स्थिति में ना बैठी रहे, बहुत देर एक ही स्थिति में ना खड़ी रहे, अपनी जो पोजीशन है वो टाइम टाइम पे चेंज करती रहे। एंड एक काम और आपको करना है कि आप जब भी लेटे तो आप अपने पैरों को दूर दूर करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, एंड आप सीधी बिल्कुल ना लेटे, आप करवट लेके लेटे। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप जब भी अगर सीधे लेटती भी है थोड़ी बहुत देर भी, तो आपको अपने पैर दूर दूर बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर आप पैर जितने दूर करेंगे आपको पेन उतना ही ज्यादा होगा। आपको कोशिश करनी है कि दोनों पैरों को पास पास ही रखना है, और आप जब भी करवट लें तो अपने दोनों पैरों को चिपकाने के बाद ही करवट लें, इससे आपको कम दर्द महसूस होगा। एंड आप जब भी चले तो अपने पैरों को बहुत ज्यादा दूर दूर फैला के ना चले, आप छोटे छोटे कदम चले, इससे भी आपको कम दर्द महसूस होगा। एंड आप गुनगुने पानी से नहा सकती हैं, इससे भी आपको जो प्राइवेट पार्ट में है उसमें थोड़ी राहत मिलेगी, एंड आपके जो अदर दर्द होते हैं उनमें भी आपको काफी राहत मिलेगी। और आप कीगल एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप कोई भी एक्सरसाइज करें बिना डॉक्टर की एडवाइस के या बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के बिल्कुल भी ना करें, और आपको जब कोई एक्सरसाइज कंफर्टेबल हो आप तभी करें, अदरवाइज आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें। एंड अगर आप चाहें तो आप अपने पैल्विक हिस्से में मालिश भी करवा सकती हैं, इससे जो है पैल्विक हिस्से की मांसपेशियां मजबूत होंगी और आपको डिलीवरी में भी काफी आसानी रहेगी। आप चाहें तो योग भी कर सकती हैं, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा एंड आपकी जो मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत होंगी, और आपको थोड़ा बहुत जरूर रिलैक्स मिलेगा। तो आपको ट्वींस प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट के दर्द को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। और आप कोशिश करें कि पेन किलर बिल्कुल भी यूज ना करें, ये बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि एक ऐसा दर्द होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता है, और ये जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी वैसे ही अपने आप चला जाएगा। और आप एक उपाय और कर सकती हैं, आप जब भी बैठने जाए तो अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर करके बैठे, इससे क्या होगा कि आपके जो प्राइवेट पार्ट में जो है कम प्रेशर पड़ेगा, तो इससे भी आपको दर्द कम महसूस होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।